हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग के पास आया है, देखिए टीपी बीपीएल का है, लेकिन ये चाइना चेसिस लगा हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें वर्टिकल लाइन का फॉल्ट है, ठीक है। टॉप टू बॉटम एगो लाइन आ रहा है खाली, इसको वर्टिकल लाइन फॉल्ट बोलते हैं हम लोग, देखिए ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाता है, बने रहे वीडियो में, मिलते हैं एंटर के बाद। तो व्यूअर्स, इंटर के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर कोई नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखिए हमने पीसीबी को पूरा खोल लिए हैं, अब इसको हम बैक साइड से दिखाते हैं। देखिए ये हमारा वर्टिकल लाइन का फॉल्ट है, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ईएसटी का जो सेक्शन है, इसी को हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोला जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम के लिए यहाँ दो गो पीएफ लगा हुआ है, ठीक है, एक 1600 का है और एक 250 से 400 वोल्ट का रहता है। जो 250 से 400 वोल्ट का पीएफ रहेगा, ठीक है, उसी में खराबी होगा। अगर इनमें से ये 400 का वोल्ट का जो कैपेसिटर है, उसी का वैल्यू लो हो जाने से इस तरह का फॉल्ट होता है। और दो चार को पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लो हो जाने से इस तरह का फॉल्ट आता है, वर्टिकल लाइन का फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। और ये अगर 1600 का वोल्ट का कैपेसिटर अगर वैल्यू लो हो जाएगा तो ये एच आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेकिन हमारा शॉर्ट नहीं हो रहा है, टीवी ऑन हो रहा है, टॉप टू बॉटम एक खाली वर्टिकल लाइन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे तो कैपेसिटर देखने में तो कोई ख़राबी नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं ये फटा है नहीं कटा है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को खोल के हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। देखिए इसको खोल लेते हैं, तो ये देखिए कैपेसिटर, इसको हमने खोल लिया है। ये 250 वोल्ट का है, 470 नैनो फैरेड का, ठीक है। तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना बता रहा है। मीटर को हम लोग कैपेसिटर नापने वाला, मेजर करने वाला ये मोड में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग मेजर करते हैं, तो देखिए इसका रीडिंग कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, 470 नैनो फैरेड बताना चाहिए था, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कैपेसिटर नापने वाला कोई मीटर नहीं है तो आप लोग इस कैपेसिटर को एक बार नया लगा के देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटा के कोई दूसरा लगाते हैं। देखिए अभी इस कैपेसिटर को लगाते हैं, देखिए 474 है, ये 4 गो 0 पीछे लग जाएगा, तो ये 470 नैनो फैरेड में आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू हम नाप के आपको दिखाते हैं, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, देखिए 474 आ रहा है, यानी कैपेसिटर सही है। इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कैपेसिटर नापने वाला मीटर नहीं है तो आप लोग इसको एक बार नया लगा के देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लिया है। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इस कैपेसिटर लो हो जाने से यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इस डार्ट के पास एक रेजिस्टेंस है, ये हीट हो जाता है, देखिए आधा काला हो चुका है। तो इस रेजिस्टेंस आपका
22 किलो ओम्स का है। अगर ये जल गया है तो फिर आपको ये नया लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं इसका वैल्यू बता रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ठीक है, इसका कब ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, 22 किलो ओम्स का है। अब हम लोग सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं। चलिए तो हम लोग पावर देते हैं। आपको स्क्रीन में दिखाते हैं, यहाँ देखिए। तो देखिए हमारा स्क्रीन फुल आ चुका है मुझे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।